जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं वह है DBU, यानी कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट। तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कल पूरे देश में प्रधानमंत्री श्री भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने DBU यानी कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट की शुरुआत की देश के 75 जिलों में। तो उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। DBU, देखिए, DBU डिजिटल बैंकिंग यूनिट, प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आजादी, देखिए, आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में रविवार को देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट की शुरुआत की। तो रविवार, कल कल रविवार का दिन था, तो आप जान लिए रविवार को देश के 75 जिले में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की आर्थिक प्रगति का सीधा संबंध बैंकिंग प्रणाली की मजबूती से है। यानी कि हमारे देश की, भारतवर्ष की, देश की आर्थिक प्रगति का सीधा संबंध बैंकिंग प्रणाली की मजबूती से है। तो आप जानते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो पैसा, ये सब किसानों को अब आसानी से मिल रहा है, किसानों को पैसे, तो ये सब है ना। सो ये है ना, डिजिटल, जितना बैंकिंग सिस्टम का डिजिटलाइजेशन होगा उतना ही काफी है ना। सो ये फायदा होगा। तो देखिए क्या है DBU, क्या है DBU डिजिटल बैंकिंग यूनिट, क्या है डिजिटल बैंकिंग यूनिट। तो इसके अब DBU क्या है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट, तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। क्या है DBU? तो देखिए डिजिटल बैंकिंग यूनिट में, देखिए डिजिटल बैंकिंग बैंकिंग यूनिट में क्या होता है? देखिए डिजिटल बैंकिंग यूनिट में बेहद कम इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक डिजिटल बैंकिंग सेवाएं मिलेंगी। यानी कि गांव देहात में, बहुत ही रिमोट एरिया में, जहां पर लोगों को अच्छा सा सड़क नहीं है, वहां भी है ना सो बैंकिंग सुविधाएं आप लोगों को मिलेगी बेहद कम। जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है, रोड नहीं होता है सही से, वहां पर भी है ना सो इंटीरियर इलाका है, बिजली नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर भी बहुत ही अच्छा ढंग से है ना सो लोगों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ये है ना सो कदम भारत सरकार ने दिया है। तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट में बेहद कम इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक डिजिटल बैंकिंग सेवाएं मिलेंगी, या बैंकिंग के डिजिटल तौर तरीकों को बढ़ावा देगा। तो बैंकिंग के डिजिटल तौर तरीकों को बढ़ावा देगी, साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करेगी, साइबर साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करेगी लोगों में जागरूकता। धीरे धीरे लोग उपयोग करेंगे, प्रयास करेंगे, कोई भी काम करेगा तो शुरू में कुछ दिक्कत आता है, लेकिन धीरे धीरे जब उस पर होता है तो फिर आदमी उसमें निपुण हो जाता है ना। तो डिजिटल बैंकिंग ये सब काम करने पर ना, गांव देहात रिमोट एरिया का आदमी सब बहुत डरता है, उसको नहीं मालूम है, वो बैंक के लाइने में लग के सारा काम करना चाहता है जो पुराना सिस्टम है। लेकिन धीरे धीरे करेगा तो है ना सो वहाँ के नवयुवक है, नौजवान है, सबको है ना धीरे में जागरूकता फैलेगी, डर भय खत्म होगा, तो इससे साइबर सुरक्षा जो है ना, साइबर फ्रॉड, ये सब में भी धीरे धीरे कमी आएगी और लोग है ना इसको अपनाने लगेंगे और धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर तेजी से करेंगे। देखिए तो यह बैंकिंग के डिजिटल तौर तरीकों को बढ़ावा देगी, साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करेगी। 17 तरह की सेवाएं, देखिए 17 तरह की सेवाएं मिलेंगी डिजिटल बैंकिंग यूनिट। सेवा कागजी और अन्य झंझटों से मुक्त होगी। देखिए अभी कितना होगा इसमें, 17 तरह की बैंकिंग सेवाएं है ना डिजिटल DBU में, कितना मिलेगी, 17 तरह की सेवाएं मिलेंगी डिजिटल बैंकिंग यूनिट। सेवा कागजी और अन्य झंझटों से मुक्त होगी, यानी कि इसमें जो कागजी का है ना, ये सब है ना, जो झंझट ये सब नहीं रहेगा, कागजी या झंझटों से डिजिटल बैंकिंग यूनिट ये सब है ना सो दूर ही रहेगी। यानी कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट सेवा में कागजी और अन्य झंझटों से मुक्ति होगी, पहले से ज्यादा आसान होगा, पैसों का लेन देन को लेकर शिकायतों के निपटारा तक कुल 17 सुविधाएं मिलेगी। देखिए पहले से ज्यादा आसान होगी, अब लोग कोई काम करेंगे शुरू में दिक्कत होता है, लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो फिर उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। तो पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा बैंकिंग सेवाएं, पैसे के लेन देन से लेकर शिकायतों के निपटारे तक कुल 17 सुविधाएं मिलेंगी। देखिए पैसे का लेन देन भी कर सकते हैं, पैसा उसमें जमा कर सकते हैं, पैसा निकासी भी कर सकते हैं, और तो यह ना पैसे के लेन देन से लेकर शिकायत जो है ना, आपका ना बैंकिंग ओम्बुड्समैन होता है, तो जो शिकायत कंप्लेन होता है ये सब का भी सुविधा मिलेगा। तो देखिए
ये जो है ना से लेकर शिकायतों के निपटारे तक कुल 17 सुविधाएं मिलेगी। बैंकिंग ओमेंटमेंट ये सब जो होता है ना KYC ये सब आप उसमें करवा सकते हैं, इतना ये होगा। अहम बात है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात क्या है DBO के बारे में, DBO में आप खुद जाकर काम कर सकेंगे और अगर जानकारी नहीं है तो बैंक कर्मी आपकी मदद करेंगे। तो DBO में क्या होता है कि बैंक कर्मी सब है ना का एम्प्लाई ये सब है ना रहेगा, आप जाके वहाँ पर खुद आपको काम करना है। अगर आपको कोई दिक्कत होता है परेशानी होता है तो वहाँ पर बैंक कर्मी होगा, वो आपको है ना उसको आपको है ना सब बताएगा कि देखिए इस तरह कीजिए। तो ये बहुत बड़ा फायदा है DBO में, DBO में आप खुद जाकर काम कर सकेंगे और अगर जानकारी है तो बैंकिंग जानकारी नहीं है तो बैंक कर्मी आपकी आपकी मदद करेंगे। ग्राहकों को ऑनलाइन सभी सेवाएं मिले यह सुनिश्चित किया जाएगा। तो जितना भी है ना प्रमुख सेवा है ऑनलाइन, जितना भी है ना बैंकिंग ट्रांसफर ये सब का बैंक का सेवा है ये सब मिले यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। भौतिक मुद्रा घटेगी, मोदी ने कहा है कि डिजिटल करेंसी या डिजिटल लेन देन से अर्थव्यवस्था के अलावा और भी पहलू जुड़े हैं, इस पहल से भौतिक मुद्रा घटेगी और पर्यावरण का भी संरक्षण होगा। तो देखिए भौतिक मुद्रा घटेगी, देखिए भौतिक मुद्रा तो घटेगी और पर्यावरण को भी फायदा होगा। तो डिजिटल लेन देन होगा तो आप है ना जो अपने जो कागज का नोट देते हैं पेपर करेंसी ये सब घट जाएगी तो पर्यावरण को भी फायदा होगा ना। पेड़ कटता है, कागज का नोट ये सब है, बांस का पेड़ ये सब कटता है, कितना पेड़ ये सब कटता है तब उसका उसका नोट छपाई होता है, तो इससे पर्यावरण को कितना नुकसान होता है, नेचर को नुकसान होता है, तो इससे ना पेड़ की कटाई रुकेगी। अब डिजिटल लेन देन होगा तो नोट छपाई सब कम होगा, बहुत कम होगा, तो पर्यावरण को फायदा होगा, यही है। ग्राहकों को ऑनलाइन सभी सेवा सुविधाएं मिले यह सुनिश्चित किया जाएगा। भौतिक मुद्रा घटेगी, मोदी ने कहा कि डिजिटल करेंसी या डिजिटल लेन देन से अर्थव्यवस्था के अलावा और भी पहलू जुड़े हैं, तो है ना इसमें डिजिटल लेन देन होगा ना, डिजिटल लेन देन होगा तो है ना अर्थव्यवस्था में काफी पारदर्शिता आएगी, यानी कि किसके पास कितना रुपया कितना मनी है कितना जमा है सब डिजिटली होगा, तो इसमें है ना हेर फेर फ्रॉड ये सब का कहना चांस बहुत कम होगा। तो यही बात कहा गया, पर्यावरण को भी काफी फायदा होगा, अर्थव्यवस्था में काफी पारदर्शिता आएगी, तो यही है। आते 10 सालों में दुगुने से अधिक हुए बैंक अकाउंट। अब 10 साल में वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है कि 10 साल में भारत में बैंक अकाउंट जितना था ये सब है ना सो दुगुना हुआ, पहले से दुगुना, जितना 2011 में था उसे है ना सो दुगुना हो गया 2021 में। तो क्या क्या कहा है वर्ल्ड बैंक का, 10 साल में दुगुना से अधिक हुए बैंक अकाउंट। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2011 में, देखिए 2011 में लगभग 35 से 36% लोगों के पास ही बैंक खाता बैंक अकाउंट था, लेकिन अभी है ना सो क्या हुआ है 2022 में, 22 अभी जो 2021-22 चल रहा है तो इसमें लगभग 78% लोगों के पास बैंक खाता है, जनधन योजना ये सब का जो लाभ जो मिले बैंकिंग खाता ये है। तो 10 साल में 2011 में कितना लोगों के पास था, मात्र भारत में 35-36% लोगों के पास था ये बैंक खाता बैंक अकाउंट, अब दुगुना हो गया 10 साल में 2021-22 में लगभग 77-78% लोगों के पास बैंक खाता बैंक अकाउंट हो गया है। तब है ना सो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये सब का लोग होगा, जनधन योजना सरकारी योजना का लाभ होगा उठाएंगे तो उनको घूस उस नहीं देना होगा, मुखिया को या जो भी हो इस सबको ज्यादा घूस ये सब नहीं होगा, डायरेक्ट पैसा उनके खाता में आएगा। अच्छा यह सुविधा क्या क्या सुविधा है DBO में, क्या क्या सुविधा DBO में जाके तो क्या क्या सुविधा मिलेगी, तो यही बात चर्चा में क्या क्या सुविधा मिलेगी। तो यह सुविधा मिलेगी देखिए क्या क्या, तो बचत खाता सावधि जमा समेत कई तरह के बैंक खाते खोल सकेंगे। क्या क्या सुविधा मिलेगी DBO में, तो देखिए बचत खाता खोल सकते हैं, सावधि जमा समेत कई तरह के बैंक खाते खोले जा सकेंगे। बचत खाता सावधि जमा योजना ये सब का लाभ है ना सर DBO में मिलेगा, इस सब का खाता है ना खोल सकते हैं, खाते की शेष राशि जांच कर सकेंगे। क्या और क्या होगा कि आपके खाते आपके अकाउंट में कितना पैसा बचा हुआ है ये सब का भी जांच कर सकते हैं, तो खाते की शेष राशि जांच कर सकेंगे। ग्राहकों को डिजिटल किट मिलेगी और वहां पर जो भी ग्राहक जाएगा उसको है ना सो डिजिटल किट मिलेगी। मशीन से नकदी जमा या निकासी हो सकेगी, मशीन के द्वारा नकदी जमा और पैसा निकासी है मशीन के द्वारा हो सकेगा। कहीं भी खाते रकम भेजना आसान होगा, अब है ना सो मनी ट्रांसफर है ना, कहीं भी पैसा माने किसी को भेजना है अपने ससुर के पास, साला के पास, साली के पास या माँ बाप के पास या कोई बच्चा किसी का पढ़ रहा है कहीं भी, तो उस सब के पास पैसा भेजना है तो ये सब भी है ना DBO में हो जाएगा है ना।
तो ये भी फायदा होगा, रकम भेजना आसान होगा, पासबुक खुद ही प्रिंट कर पाएंगे, पासबुक डीबीओ में जा, अब डीबीओ में बैंक एकदम रिमोट एरिया जहाँ पर सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं वहाँ पर खुलेगा, तो वहाँ पर पासबुक खुद ही है ना प्रिंट कर सकते हैं ना, अपडेट ये सब हो जाएगा। तो ये होगा निवेश करने का विकल्प मिलेगा, निवेश करने का विकल्प भी मिल जाएगा, कर्ज का लेन देन किया जा सकेगा, देखिए कर्जा का लेन देन भी है ना किया जा सकेगा, चेक के लिए भुगतान रोकने का निर्देश दे सकेंगे, देखिए चेक के लिए भुगतान रोकने का निर्देश भी देखेंगे दे सकेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चेक जो होगा चेक के लिए भुगतान रोकने का निर्देश दे सकेंगे, क्रेडिट डेबिट कार्ड आवेदन दे सकेंगे, देखिए क्रेडिट का डेबिट कार्ड जो है ना क्रेडिट कार्ड है ना सो डेबिट कार्ड तो इस सब के लिए ना आवेदन है ना सो आवेदन है ना सो दे सकेंगे, इस सब का सुविधा मिलेगा। और भी क्या क्या फायदा है सो देखिए टैक्स और बिल का भुगतान संभव होगा, टैक्स है ना इनकम टैक्स ये सब का भी है ना सो टैक्स का या ना सो बिजली बिल ये सब भी भुगतान कर सकते हैं, तो टैक्स और बिल का भुगतान संभव हो जाएगा, जो भी इनकम टैक्स है आपका ये सब का बिल है ना जमा करना सकता है, बिजली बिल ये सब जो भी होता है, खातों का केवाईसी खुद कर सकते हैं, केवाईसी नो योर कस्टमर केवाईसी तो जानते हैं, तो खातों का केवाईसी खुद कर सकेंगे, शिकायतों को डिजिटल रूप से दर्ज कराना आसान होगा, शिकायतों को जो भी प्रॉब्लम है शिकायत है तो उसको डिजिटल रूप से दर्ज कराना आसान होगा, तो काफी फायदा है। अटल पेंशन योजना अन्य योजनाओं का लाभ मिलेगा, तो सब है ना डीबीओ में सब फैसिलिटी पूरा बैंकिंग सिस्टम मिलेगा, जो काफी कम इंफ्रास्ट्रक्चर जिस जगह पर वहां भी पूरा फैसिलिटी मिल जाएगा, रिमोट एरिया में हर आदमी भारत के हर नागरिक को है ना जो बैंकिंग सेवा पूरा उपलब्ध हो जाए तो इसका फायदा मिले, तो इसीलिए प्रधानमंत्री ने ये सब काम किया है, तो इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद। वीडियो देखने के बाद लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।